गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्मोकिंग वंडर। सो आज हम लोग जा रहे हैं लाल केकड़ा बीच राइड, विच इज अराउंड 180 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। दिस विल बी अ ग्रुप राइड। सो अभी सामने जीत आ रहा है, पीछे सौरव है। सो सौरव वॉज दैट ट्रेवलिंग प्रीस्ट फ्रॉम आवर लास्ट डलमा राइड, जिसका एपिसोड आज रात को आ जाएगा। Now we will group, regroup, and then we will move on. So till then, enjoy the ride. आप लोगों से बात होता रहेगा बीच बीच में। अभी अरुण दा शायद आ गया है और कोई वेट भी कर रहा है। I think that might be जीत अंगड़ी। Yes, जीत भी आ गया है। So, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग धुलागढ़ टोल टैक्स पहुंच गए हैं। अभी वहां पे बाकी लोग वेट भी कर रहे होंगे। मैं और अरुणा पीछे जा रहे हैं, वो लोग शायद सामने चले गए हैं। तो अभी हाँ, थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो मिलेगा ही, सुबह का टाइम है। आई थिंक अप टू कोलाघाट हमें ट्रैफिक मिलेगा। तो लेट्स सी कौन कौन आ गया है, कितना लोग बचा हुआ है। और काफी लोग ऐसे भी होंगे जो शांति निकेतन से आ रहे हैं, सो दे मस्ट बी अ लिटिल लेट। ये लोग वेट कहाँ कर रहे हैं वो ही देखना पड़ेगा। सो अभी बज रहा है 7:45 एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कोलाघाट, सॉरी धुलागढ़। अभी ये लोग आ रहे हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम भुलागढ़ टोल टैक्स। सब लोग आ गए हैं। अब मैं थोड़ा रुकूंगा बागनान में, वहाँ पे मेरा मौसी आएंगे और सबके लिए समोसा ऑर्डर किए हैं, वो देखे जाएंगे रोड पे। एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन लाल केकड़ा बीच। सो टिल देन गाइस, एंजॉय द राइड एंड बी विथ अस। आई होप आई विल शेयर अ लॉट ऑफ गुड फुटेजेस टुडे एंड वी विल एंजॉय द मोस्ट। टिल देन बाय। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, दिस इज आवर गैंग। ऑलमोस्ट सबको कवर कर पाना तो मुश्किल है। आई ट्राई। सो दिस इज सौरभ, दिस इज अनिकेत, दिस इज इकबाल दा, एंड दिस इज आई डोंट नो ऑल द नेम्स एक्चुअली। अगेन सबसे पहली बार मिल रहा हूँ ना, तो सबका नाम याद नहीं है। ही इज ऑल्सो फ्रॉम आवर ग्रुप। सो इट इज शोभिक, सौरभ दा एंड द बिग गाय अफ्रीका टुंडा। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं कोलाघाट ब्रिज। यहाँ पे सबको रुकने का तो प्लान था, पता नहीं वो लोग कहाँ रुके हैं। थोड़ा यहाँ पे सिंगड़ा है ना, खाना होगा फिर हम लोग चलेंगे। हाँ ये तो सब लोग रुक गए हैं, यहाँ पर हम लोग भी रुक जाएंगे। Our breakfast, lot of people, lot of food, lot of masti. So अब चलाना है बाइक, बहुत रेस्ट हो गया। So let's go.
राइट चल रहा है नंदो कुमार इज 2 किलोमीटर फ्रॉम देयर आई थिंक वी नीड टू टेक अ राइट फॉर दीघा रोड आई डोंट नो द एग्जैक्ट लाइक रोड नेम्स एंड ऑल सो डोंट रश मी ऑन दिस मैटर बट द थिंग इज अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है एंड इसीलिए सब किसी को अब लग रहा है कि जल्द से जल्द हम लोग पहुँच जाए तो ही बेटर है एटलीस्ट यहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ है बिकॉज दिस रोड इज अ वेरी बिजी वन बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ बसेस दैट फ्लाई बिटवीन कोलकाता एंड दीघा एंड मेनी अदर लोकेशंस एंड ड्यूरिंग द वीकेंड मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम कोलकाता कम टू दीघा सो रास्ता तो क्राउडेड होगा ही कोई नहीं चलते हैं तो अभी हम लोग नंदो कुमार से राइड ले चुके हैं जा रहे हैं टुवर्ड्स कांथी बाकी लोग शायद पीछे हैं हम सामने 3-4 लोग ही जा रहे हैं ऐसा धूप है तो स्टॉप लेने का कोई फायदा है नहीं काफ़ी गर्मी हो रहा है सो धीरे धीरे पहुंचते रहेंगे तो बेटर होगा सब कोई धीरे धीरे आ भी जाएगा सो देयर शुड बी नो स्टॉपेजेस काइंड ऑफ अ थिंग दीघा इज अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर बार बार दीघा बोल रहा हूँ बट अगेन आवर डेस्टिनेशन इज नॉट दीघा इट इज लाल केकड़ा सी बीच और रेड फ्लैग बीच सो इट इज अ वर्जिन बीच मच अहेड ऑफ दीघा आई रियली डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन बिकॉज सामने सौरभ दा सीटदा जा रहे हैं तो वो लोग दिखाई देंगे जस्ट I'll follow them. Till then, enjoy the ride, guys. So it's just another 20-25 kilometers ahead. अभी हम लोग एक ये स्टेट हाईवे तो नहीं है सो इट्स लाइक अ लोकल रोड इस पर हम लोग इंटर कर चुके हैं अब जा रहे हैं टुवर्ड्स द कैंप सो आप लोग अभी जो रास्ता देख रहे हो सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ बंगाल लाइक इट्स ग्रीन एवरीवेयर काफी खूबसूरत जगह है और यहीं पे ऐसा लग रहा है तो आगे जब बीच आ जाएगा तो आप सोचिए और कितना सुंदर लगेगा पूरा ग्रीनरी के अंदर से हम लोग जा रहे हैं अभी भी अकॉर्डिंग टू मी 20 किलोमीटर तो होना चाहिए सो ये ऑलमोस्ट आई थिंक नया रोड बना है कोई सौला ब्रिज लिखा हुआ है एंड इट सीम्स लाइक अ न्यू ब्रिज ओ यस इट्स एब्सोल्यूटली अ न्यू ब्रिज It's beautiful, man. ये देखिए समंदर का पानी अंदर आ रहा है ये खाड़ी में से वो ब्यूटीफुल ये नए रास्तों पे चलाने का बहुत मजा आता है लाइक आई थिंक ये बाईपास काइंड ऑफ कुछ होगा ज्यादा कोई ये रोड यूज तो करता है नहीं देख के लगता है एंड अभी नया ही ओपन हुआ है आई थिंक आप ये देख पा रहे हैं राइट साइड में समंदर है बट इतना राइट साइड में है कि मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखा नहीं पाऊंगा सो थोड़ा रास्तों का कंफ्यूज हो गया है हम लोग मैप शायद अच्छे से शो नहीं कर रहा लोकेशन रिसोर्ट का इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन में है मैप देख रहे हैं लोगों से पूछ के जा रहे हैं आई थिंक
Yes, here we are. So, पहुंच गए हैं कैंप के रास्ते पे. I think this road will only take us to the camp. So after a lot of wrong ways, no ways, no roads, I think we have finally reached, because दिख रहा है एक कार जो हमारे साथ आया है, that is being parked over there. So finally हम लोग इच्छे डाना कैंप लाल केकड़ा बीच यहाँ पे पहुंच गए हैं. थोड़ा रास्तों का कंफ्यूजन हो ही गया था जैसा आप लोगों ने देखा है ऑलरेडी. और यहाँ पे देखिए कोई पार्किंग का ऐसे जगह का प्रॉब्लम है, पूरा ही सैंड एरिया है. सो हम लोगों को तो वैसे प्रैक्टिस नहीं है सैंड में बाइक वाइक चलाने का, तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया था. कुछ देर जा पाए फिर बाइक से उतर के पकड़ के लेके गए और पार्किंग में लगा दिए. एंड नाउ वी विल फ्रेशन अप, थोड़ा बहुत कपड़े चेंज करके खाना वाना खाके देन वी विल हेड आउट टू द बीच. तो दिस इज द बीच जिसका मैं बात कर रहा था कि वर्जिन बीच है. पहले हम दुबला गढ़ी गए थे, अब वहां पर भी आपको ऐसा ही बीच दिखा होगा. बट आई वुड से दैट दुबला गढ़ी इज मच ब्यूटिफुल देन दिस. इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर ब्यूटिफुल एंड इवन लेस पीपल फ्रॉम हियर. एंड ऑल्सो वहां पे फॉरेस्ट काफी बेहतर है. यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट साइड पे चलेंगे तो कुछ दिखेगा वरना नहीं. So, this is me, Smokey Wanderer, signing off. If you like the video, then please subscribe to my channel. More videos coming soon. Till then, bye-bye.